हेलो गाइस, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं वेलकम टेक। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है फास्ट कास्ट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टीवी में। नो प्रॉब्लम, आपके पास में नोकिया का टीवी नहीं है बट स्टिल आप जो है फास्ट कास्ट को यूज़ कर पाएंगे। मैंने आपको अपने फ़ोन से करके दिखाया है, इस पूरी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कैसे आप जो है फास्ट कास्ट को यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपकी वीडियोज़ वगैरह हैं, जो भी फ़ोटोज़ हैं, बहुत आराम से जो है स्ट्रीम कर पाते हैं अपने टीवी में बिना किसी लैग के। तो मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा भी लगता है। और साथ ही साथ अगर आपके टीवी में जो है आईफोन से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है तो आपको इस वाले ऐप में मिल जाएगा, तो आईफोन भी आप स्ट्रीम कर पाएंगे बहुत ही आराम से। अगर आपके टीवी में इनबिल्ट क्रोम कास्ट में आईफोन नहीं काम करता तो इसमें आपका काम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है ये एप्लीकेशन, आप इसमें वीडियोस को कास्ट कर सकते हैं, इमेजेस कास्ट कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ जो है अपनी स्क्रीन भी कास्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा बना देता है। और इसके साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, लैग की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती जो कि जनरली बहुत सारे टीवीज़ में आती है कास्टिंग के वक्त। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। हालांकि क्रोम कास्ट बेस्ड एप्लीकेशन है तो क्रोम कास्ट आपके टीवी में होना चाहिए, अगर एंड्रॉयड टीवी है तभी ये सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका टीवी जो एंड्रॉयड होना चाहिए तो उसके बाद में ये बिल्कुल अच्छे से काम कर जाएगा। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा वही, सब्सक्राइब लाइक कर देना अगर पसंद आए। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कास्टिंग काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फास्ट कास्ट अपने टीवी और आपके फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से, बाहर से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने टीवी में पहले से ही फास्ट कास्ट डाल दिया था, तो आप भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे फास्ट कास्ट तो वहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। जैसे कि आपको नोकिया के टीवी में फास्ट कास्ट का ऑप्शन मिलता है, वो सेम ही ऑप्शन आप अदर टीवीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका टीवी एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए, 9 का सपोर्ट होना चाहिए एंड्रॉयड 9 का, तो आराम से आप यूज़ कर पाएंगे। चाहे आपका व्यू का टीवी हो या फिर आपका थॉमसन का टीवी हो, मोटरोला का टीवी हो, नोकिया का टीवी हो, कोई सा भी टीवी हो आपका जो है ये सपोर्ट कर जाएगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जाना है और फ़ोन में जाने के बाद में आपको देखना है कि फास्ट कास्ट आपके प्ले स्टोर पर है कि नहीं। वैसे फास्ट कास्ट प्ले स्टोर पर बहुत ही आराम से मिल जाएगा, आप लिखेंगे फास्ट कास्ट तो आपको तीसरी वाली एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगी। ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, बस आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा जैसे कि आपको नोकिया के टीवी में देखने मिलता है। उसमें इनबिल्ट फीचर है बट आप एक्सटर्नली डाल सकते हैं अपने फास्ट कास्ट को, सिंपल है। अब मैंने जो है ओपन कर लिया, आप फाइल्स देख सकते हैं, कैमरे वगैरह की फाइल्स में देखने मिल रही है। और इसके अलावा एक दो ऑप्शन आपको और देखने मिलते हैं जैसे कि वीडियोज़, आप वीडियो भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपने टीवी के अंदर जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और इसके साथ साथ म्यूज़िक, अब इसमें क्या है, आप अगर आपके फ़ोन में म्यूज़िक है या फिर आपके फ़ोन में कोई भी गाने वगैरह पड़े हैं लोकल ड्राइव में, लोकल फ़ोन के स्टोरेज में, तो वो भी आप इसमें प्ले कर पाते हैं और बहुत ही आराम से ये काम करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले हम अपने टीवी के अंदर फास्ट कास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, फास्ट कास्ट एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा फास्ट कास्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो इसमें दिखाएगा कि आईफोन से शेयर करना है, कास्ट लोकल मीडिया करना है या फिर क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो अभी इस केस में हमें करना क्या है, अभी इस केस में हम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको आपका टीवी और आपका फ़ोन दोनों सेम नेटवर्क पे कनेक्ट होने चाहिए तभी ये काम करेगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कनेक्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो उस केस में मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इंटरनेट दोनों ही टीवी में सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम वाईफाई और इसमें भी, चाहे आप फ़ोन का जो है हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं और टीवी में आराम से कास्टिंग कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी लिखा रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है अब कास्टिंग होनी चालू हो जाएगी हमारे टीवी के अंदर, थोड़ा सा वेट करते हैं कास्टिंग के लिए। तो अभी दिखा रहा है कि फास्ट कास्ट हमारा जिसमें एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी से अभी कनेक्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। तो अभी इस केस में मैं इसमें एक गाना प्ले करके दिखाऊंगा प्ले कैसे हो जाएगा हमारा गाना। तो सिंपली मैं गाना प्ले करता हूँ, क्लिक करता हूँ और प्ले करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं कि हमारा गाना प्ले हो रहा है हमारे टीवी में। तो इस तरीके से आप जो है आराम से फास्ट कास्ट को यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, इंटरनेट की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस चीज़ में और बहुत ही तगड़ी चीज़ ये हमारे को दे देता है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ वीडियो वगैरह की, तो वीडियो पे जाएंगे और वीडियो भी हम कास्ट करके देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं एक वीडियो चला लेता हूँ, सिंपल सी ये इमेज है, हालांकि वीडियो नहीं है बट आप देख सकते हैं ये पपी है, तो इसकी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ।
फ़ोन से ही क्लिक करी हुई है और गैलरी से मैं डायरेक्टली कास्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये मुझे क्या लगती है कि बिल्कुल भी लैग नहीं होता, जैसे कि नॉर्मली आप कास्टिंग करते तो उसमें लैग देखने मिलता है, बस इसमें बिल्कुल भी लैग नहीं देखने मिलता। आपको एक और फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने दूसरी फ़ोटो क्लिक की है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग नहीं आता और बढ़िया एकदम फ़ोटो आपको देखने मिल जाती है। उसके अलावा और बात करता हूँ कि आपको और क्या फीचर्स में देखने मिलते हैं, तो वीडियो भी आप इसमें जो है शेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में कोई भी वीडियो नहीं है, बेसिकली मम्मी का फ़ोन है तो इसमें कोई भी वीडियो नहीं है, बट अगर आपके पास में मूवी वगैरह है जो भी है तो आराम से आप जो है कास्टिंग कर पाएंगे वीडियो में जाके, और बहुत ही आराम से आप इन्जॉय कर पाएंगे अपनी कास्टिंग को। तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, और इसमें एक ऑटो प्ले का भी ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है डायरेक्टली पूरी एल्बम आपने प्ले कर दी अपनी शादी की सपोज़, तो वो आप ऑटोमेटिकली प्ले कर पाएंगे, तो आपको बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी अपनी इमेजेस को, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया बना देता है ये चीज़, तो आप आराम से इन्जॉय कर पाएंगे फैमिली के साथ में। अगर कोई फोटोग्राफ्स आप घूमने गए तो वो चीज़ आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बना देता है और मेरे को बहुत पर्सनली बढ़िया भी लगता है देखने में। और गाइस एक और ऑप्शन हमें देखने मिलता है इसमें, वो है हमारा डिस्प्ले से रिलेटेड, तो आप डिस्प्ले भी कास्ट कर पाएंगे। कई बार ये क्या होता है कि क्रोम कास्ट से आपका टीवी नहीं कास्ट हो रहा होता, तो आप फास्ट कास्ट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और मेरे को भी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, टीवी में जाना है और QR कास्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको QR कास्ट दिखेगा, उस पे क्लिक करना है और इसमें QR स्कैन कर लेना है। तो मैं अलाउ कर देता हूँ और स्कैन करके देखता हूँ QR। तो अभी आप देख सकते हैं कि QR स्कैन हो गया है और इसमें दिखा रहा है कि अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से कास्टिंग हो जाती है। एरर आ रहा था बट आप आराम से स्कैन कर सकते हैं, किसी किसी फ़ोन में एरर आता है, किसी किसी में नहीं आता है, तो एक बार ही आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही आराम से आपका काम करेगा, 100% चलती है ये चीज़ और मेरे को काफ़ी अच्छी भी लगती है पर्सनली। तो अभी ये दोबारा से मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ और दोबारा से करने की कोशिश करते हैं अगर हो पाता है तो, बट ये किसी भी फ़ोन में एरर दे सकता है, कभी कभी नहीं देता है। तो ये इस टाइम जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो वन प्लस का फ़ोन है, तो कभी कभी शायद इसमें एरर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कभी कभी हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। और अलावा बात करता हूँ तो और क्या फ़ीचर मिलते हैं, ये सारे फ़ीचर आपको देखने मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ अगर आपका टीवी जो है आईफोन सपोर्ट नहीं कर रहा तो आईफोन भी सपोर्ट कर पाएगा ये कास्टिंग ऑप्शन। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि किसी किसी का आईफोन जो है सपोर्ट नहीं करता है टीवी के अंदर, और टीवी में इनबिल्ट जो है क्रोम कास्ट भी सपोर्ट नहीं करता आईफोन को, तो उस केस में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ देखने मिल जाएगी कि फ्री में आप एप्पल डिवाइस का सपोर्ट मिलता है, जो कि हालांकि बहुत सारे टीवीज़ में नहीं मिलता बट अब आने लगा है। जो पुराने थोड़े टीवी MI का जो पुराना टीवी है उसमें आपको नहीं देखने मिलता, तो उसमें आपको ये फ़ीचर जो है काफ़ी कामयाब हो सकता है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फ़ीचर फास्ट कास्ट में आपको देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ीचर हैं और बहुत ही आराम से आप यूज़ कर पाते हैं, और मेरे को काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है फास्ट कास्ट का फ़ीचर। तो शायद आप यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। नोकिया के टीवी में ये फास्ट कास्ट का आपको ऑप्शन मिलता है इनबिल्ट, ऐसा है कि आप एक्सटर्नली भी डाल सकते हैं किसी भी टीवी के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया इस टीवी में मैंने डाला है इस ऑप्शन को, इस तरीके से आप और टीवीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आई होप गाइस मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो कि कैसे फास्ट कास्ट काम करता है, हालांकि थोड़ा बहुत जो है आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है कभी कभी जो है स्क्रीन को कास्ट करने में, बट जो इमेजेस है फाइल्स हैं वो आराम से कास्टिंग हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस तरीके से आप जो है फास्ट कास्ट को यूज़ कर सकते हैं बिना नोकिया के टीवी के। तो नोकिया के टीवी में इनबिल्ट मिलता है, हाउएवर आप जो किसी भी टीवी में डाल सकते हैं अगर एंड्रॉइड टीवी है, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे डाल सकते हैं। तो यही था एक प्रोसीजर, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नई नई वीडियोज़ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और हेल्पफुल वीडियोज़ मैं बनाने की कोशिश करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले, तब तक ले बाय, टेक केयर, कौन आता है।